नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। राजनगर बमीठा में एक और जहां हमारे भारत के लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री के भारत अभियान को ग्राम पंचायत बमीठा ठेंगा दिखा रही है। जगह जगह गंदी के अंबार लगे हुए हैं, जहाँ स्वच्छता को लेकर हमारे जमीनी स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक जोर दिया जा रहा है और इस कोरोना काल जैसे गंभीर समय में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति आमजन को जागरूक होने के लिए तमाम प्रकार की शासन द्वारा जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए पैसा भी दिया जाता है। वहीं राष्ट्रीय खजुराहो राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा एक गांव बमीठा गांव पंचायत है, जहां बस स्टैंड पर गंदगी का अंबार देखने में मिल रहा है। यात्री और ग्रामीण जन परेशान है। जब हमारे संवाददाता ने ग्रामीण से मुलाकात हुई तो ग्रामीणों ने अपना दुखड़ा सुनाया और प्रशासन से मांग की है कि ये जिंदगी से जल्द निजात दिलाई जाए। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। आपका नाम? संतोष गुप्ता नाम। यहाँ बमीठा चौराहे पे जो गंदगी है, इसको लेकर क्या कहना? गंदगी आज से थोड़ी है, काफी दिनों से गंदगी चल रही है यहाँ पर, कोई ध्यान ही नहीं देता इस पे। जो है टूरिस्ट प्लेस पड़ जाता है। यहाँ पे क्या व्यवस्था है? जब से आपके यहाँ देखा जाए तो ना पानी की व्यवस्था है, टूरिस्ट आते हैं यहाँ सतना के लिए है, साधन है लोगों के लिए, बसें मिलती हैं दिल्ली जाने के लिए। पर्यटक जो आते हैं तो यहाँ पे क्या आपको शिकायत करता है? और व्यवस्था क्या क्या होनी चाहिए यहाँ पे? यहाँ जो है बस स्टैंड पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पेशाब घर है तो वो भी जो है बहुत गंदा पड़ा हुआ है, और जो है गंदगी तो जो है मतलब काफ़ी दिनों से गंदगी मची रहती है। यहाँ की जो है नाली भी है तो वो भी जो है भरी हुई है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। सरपंच से शिकायत की आपने? कोई सुने तो शिकायत की जाए, अभी तक तो नहीं की। क्या डेली सफाई नहीं होती? कभी कभार जो है डेली नहीं होती है।